आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। रक्तदाता फाउंडेशन द्वारा आगरा में नवा रक्तदान शिविर द ग्रीन फाउंडेशन के सहयोग से आगरा कॉलेज के GSB हॉल में आयोजित किया गया। रक्तदाता फाउंडेशन द्वारा आगरा में नौवा रक्तदान शिविर द ग्रीन फाउंडेशन के सहयोग से आगरा कॉलेज के GSB हॉल में आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर SK मिश्रा एवं डॉक्टर पीयूष चौहान द्वारा बिहारी जी के चित्रपट पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। यहाँ आज आगरा कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया है NSS की टीम और द एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से। आज हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जो कि आप देखते हैं कि हर जिले में हर स्तर पर एक ब्लड की कमी है, जिसकी वजह से लोगों को जूझना पड़ता है। तो रक्तदाता फाउंडेशन का प्रयास यही है कि वो ब्लड की कमी ना हो और सही समय पे लोगों को ब्लड मिल सके। ये सर मथुरा से ही इसकी स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन रक्तदाता फाउंडेशन धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। हमारी निरंतर टीमें आगरा, मथुरा, दिल्ली, हाथरस, अलीगढ़ और आसपास बहुत से क्षेत्रों में काम कर रही है, और जो कि निरंतर प्रयास कर रही है कि ब्लड की कमी को किसी हद तक। रक्तदाता फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर शुभम अग्रवाल एवं सोहेल अग्रवाल ने बताया कि शिविर में लगभग 40 यूनिट रक्तदान हुआ है, जिसमें महिलाओं एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्त को ओम चैरिटेबल ब्लड बैंक आगरा की रक्त कोष में जमा कराया जाएगा। ये हमारा NGO मथुरा से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और अभी लेकिन ऑल इंडिया वर्क करता है। हमारा 50 प्लस का टारगेट है और अभी 40 हमारा यूनिट कलेक्ट हो चुका है यहाँ पर। इससे कोई भी कमजोरी नहीं आती बॉडी में। जो भी हम ब्लड डोनेट करते हैं, 2 दिन के अंदर वो हमारा ब्लड बन जाता है, लेकिन जो 3 से 4 मंथ जो डिसाइड किया गया है, क्योंकि जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके, वो प्रॉपर इतने ही टाइम में बन पाते हैं। लेकिन इससे कोई वीकनेस नहीं आती है और बल्कि इससे तो और फ़ायदा होता है। हमारी बॉडी में जो हार्ट अटैक है, काफ़ी ऐसी डिजीज हैं जो प्रॉब्लम्स नहीं होती अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेशन करते हो। मुख्य अतिथि डॉक्टर SK मिश्रा ने बताया कि रक्तदान को हम जीवन दान की श्रेणी देते हैं। रक्तदान को हम जीवन दान भी कहते हैं, क्योंकि आपका दान किया हुआ रक्त किसी न किसी को नई जिंदगी देता है। अभी तक दुनिया में रक्त का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम सभी को अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करना चाहिए। ये ब्लड डोनेशन का एक विशाल कैंप का आयोजन किया गया था। हमारा एक संस्था है द ग्रीन एजुकेशन, उनके सहयोग से और आगरा कॉलेज के NSS के कर्मचारियों के सहयोग से और NCC के सहयोग से और आपके गेम्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा था। अभी 45 के करीब हो चुका। हमारा टारगेट 100 का है कि हम कॉलेज से 100 यूनिट इनको प्रोवाइड कराएंगे। द ग्रीन एजुकेशन के डॉक्टर राकेश चौधरी ने बताया कि संस्था द्वारा ये दूसरा रक्तदान शिविर रक्तदाता फाउंडेशन के साथ लगाया गया है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम प्लांटेशन के साथ रक्तदान को भी बढ़ावा दे सके। रक्तदाता फाउंडेशन के संस्थापक अमित गोयल ने सभी को रक्तदान के फायदों से अवगत कराया एवं सभी रक्तवीरों को प्रशस्ति एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। रक्तदान करने वालों में मुख्य रूप में अभिषेक, आरती, मुस्कान, ज्योति और मोहित मौजूद रहे। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज की रिपोर्ट।